Welcome back to our channel. My name is Sumit. And my name is Anji. And you're watching our channel Canadawaale Sharma. Wish you guys a very happy New Year 2021. And we pray कि आपकी जो भी wishes हैं, जो भी plans हैं, they come true this year. तो गाइस आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। दिस वीडियो विल बेनिफिशियल लॉट ऑफ पीपल एंड इट जस्ट लाइक ड्रीम कम ट्रू। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे इवन इफ योर एज इज 35 इयर्स मोर देन 35 कैसे आप कैनेडियन पीआर ले सकते हैं। और ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है 30-35 प्लस होती जाती है तो इवन इफ द पीपल हु वांट टू इमिग्रेट टू कनाडा वो अपने ड्रीम को एक तरह से छोड़ ही देते हैं, दे क्विट देयर ड्रीम। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, वी विल शो यू हाउ इट कैन बी डन। सो इस वीडियो में पहले हम ब्रीफ में बताएंगे कि कैसे जो एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर है वो कैलकुलेट होता है और किन किन फैक्टर पे कैलकुलेट होता है, और वो फैक्टर है एज, वर्क एक्सपीरियंस, जॉब ऑफर एंड स्पाउसल फैक्टर। इनमें से एज फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स आप कहीं से प्लान करके या स्टडी करके कुछ भी करके बढ़ा सकते हैं, बट एज जो है वो आपकी है। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। आज हम आपको 5 तरीके बताएंगे, देयर विल बी 5 वेज व्हिच विल हेल्प यू टू गेट इमिग्रेट टू कनाडा एज अ कैनेडियन पीआर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो उन वेज में से पहला वे है पीएनपी नॉमिनेशन प्रोग्राम। पीएनपी नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर 2 प्रोग्राम्स आते हैं, एक है बेस प्रोग्राम एंड अदर इज द प्रोग्राम व्हिच इज लिंक्ड टू एक्सप्रेस एंट्री। जो बेस प्रोग्राम है इज नो वे लिंक्ड टू एक्सप्रेस एंट्री, दैट इज प्रोविंस डिपेंडेंट, राइट। एंड कौन से प्रोविंस इसके अंदर आते हैं, और कनाडा के सारे प्रोविंस इसके अंदर आते हैं, जैसे मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, अल्बर्टा एक्सेट्रा एंड सो ऑन। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो है केयर गिवर एंड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पायलट प्रोग्राम कहा जाता है क्योंकि ये रिसेंटली अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके अंदर आपके पास एक जॉब ऑफर और इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। जो वाइडली यूज एनओसी इस प्रोग्राम के लिए है वो है 4411 विच इज होम सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम और 4412 चाइल्ड केयर गिवर प्रोग्राम। सो इन दोनों प्रोग्राम्स की आप डिटेल्स जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और साथ में इसमें एज कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है और इसमें आपको सीएलबी भी बहुत कम चाहिए, बहुत कम सीएलबी चाहिए। तीसरा जो प्रोग्राम है वो है फूड एंड एग्री पायलट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम रिसेंटली ही कैनेडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये पूरी डिटेल्स इसकी वेबसाइट पे है। ये प्रोग्राम इज एक्टिव टिल मई 2023 तक। यस, 3 साल के लिए ये प्रोग्राम है अप्रोक्सीमेटली और इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। द रीजन भी इसमें आपको सिर्फ CLB 4 चाहिए और आपको सिर्फ डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो सेकेंडरी स्कूल की या कैनेडियन डिप्लोमा जो भी हो वो आप उसमें, और अगर आपकी ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका नाम है जिसकी लिमिट्स है पर ऑक्यूपेशन इन एग्री, तो उसके हिसाब से आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं और पीआर पा सकते हैं। Just like a jackpot. Yes, it is. So fourth way है, that is startup visa. In this startup visa, first thing is there is no job offer required. Second most best thing is there is no age limit, guys. Seriously, there is no age limit. And third is only CLB 5. Only CLB 5 is needed. And of course, in every, just like every visa, you should have sufficient funds as per the number of family members you are carrying along with you. But there's a catch point. Most important point is you should have a proper business idea, a business plan which can be endorsed by an organization. That's really important, that we need a business idea endorsed by an organization. And so that you can establish your business through startup visa in that particular province, wherever it is. Exactly. उसके अलावा this is very good option. And there is one more thing which is tip of the day जो हम आपको हर वीडियो में देते हैं, वो भी एक फिफ्थ वे है विच Anjali will share with you. Yes, the fifth way through which you can immigrate to Canada even if your age doesn't allow is as a couple you can plan together. One person can apply for the study permit and another person can apply for the work permit. In this case, once you are worked for a sufficient amount of time and she has studied or he has studied, then you get additional 200 points in the express entry pool. इसको मैं थोड़ा आपको details में बताती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, एक बंदा स्टडी पे आ सकता है, दूसरा बंदा वर्क परमिट लगवा सकता है। उसके बाद विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम लाइक 1 या 2 साल बाद यू कैन अप्लाई इन एक्सप्रेस एंट्री अंडर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास and through that which is called as a CEC program and you can get your 200 points and then you can get the ITA and a Canadian PR subsequently. So this is the thing. It's easy now. Anyone can get it. Hope आपको हमारी पूरी डिटेल्स जो अभी हमने आपके साथ शेयर की अच्छी तरह समझ आई होगी। ये 5 वेज में से आई एम श्योर कि एक वे पक्का आपके लिए वर्क करेगा और आप कनाडा इमिग्रेट एज अ परमानेंट रेजिडेंस जरूर हो पाएंगे। और इसके अलावा भी हम आपके लिए डिफरेंट पॉइंट्स लाते रहेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे, जिससे हम अपनी तरफ से आपकी ज्यादा मदद कर सके और ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, जिससे आपकी ड्रीम पूरी हो सके कनाडा आने के लिए। सो आप प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट इज बाय द नेम कनाडावाले शर्मा। प्लीज हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करें। हम वहाँ पर बहुत सारे लोगों की एवरीडे क्वेरीज को आंसर करते हैं। दैट इज ऑल्सो बाय द नेम कनाडावाले शर्मा। द लिंक इज बिलो। एंड आप अपनी क्वेरीज हमारे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हर एक क्वेरी को पर्सनली आंसर करें एंड आपको अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको हम एज मच एज हेल्प कर सके। सो प्लीज डू सब्सक्राइबर्स, जो लोग हमारी वीडियोस देख भी रहे हैं, हमने देखा है बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एज वेल इफ यू आर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज गाइज, वी नीड योर सपोर्ट। या वी नीड योर सपोर्ट। So guys, to support us and to motivate us, like our videos, share our videos and subscribe our channel. And to get the latest update, please press the bell icon. And till the next video, keep smiling and stay tuned. Thank you.